Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, पिछली क्लास में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के ऑल फॉर्म्स के बारे में बताया था और आज बता रहा हूँ मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके फ्रेंड्स, तो टुडे विल स्टार्ट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एक वीडियो. दो बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं उसे हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स वॉच. I have become a magician. Oh, how? Let me show you a magic trick. Yes. Keep doing as I say. Infinitely amuse one number between 1 and 9. Okay, I have done that. Now multiply with 8. Okay, done. Multiply with 17. Okay, done. Multiply with 8. Yes, done. Add original number to it. Added. Tell me one digit and it place. In my answer, 3 in 100 place. Your answer is 4356. Oh, great. How did you come to know? You are really magician. ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि वो दोनों बच्चे क्या बात कर रहे थे आपस में. ये कन्वर्सेशनल वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको सुनने की आदत पड़े. एक मिनट, आधा मिनट, एक दस मिनट के दरमियान आप आधा मिनट, एक मिनट का सुनने का काम करते हैं. आप रोज़ ही सुनने का काम करेंगे अगर 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, तो आपके इंग्लिश समझने की पावर बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के टॉपिक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, व्हाट इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. इसमें भी सेम चीज है, हैज बीन, हैव बीन, सिंस फॉर. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लगाते थे और इसमें भी सिंस फॉर भी लगाएंगे, बीन भी लगाएंगे, बट हैज बीन, हैज और हैव की जगह पर हैड लगाएंगे. सिंपल है. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं. सबसे पहले मेकिंग फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, जो भी टाइम दिया रहेगा, जैसे वह चार घंटों से खेल रहा था. तो सिंपल है, अगर हम इसको बनाते कि वह चार घंटों से खेल रहा है तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर फोर आवर्स, बट यहां पर था है इसलिए हम ही हैड लगाएंगे, हैज हैव की जगह. तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर फोर आवर्स. यहाँ पे चार घंटे दिया है, घंटे दिया है इसलिए हम फोर लगा रहे हैं. अगर टाइम दिया रहता, एक्यूरेट टाइम, परफेक्ट टाइम, कि बजे से, इतने बजे से, चार बजे से, दो बजे से, तीन बजे से, तो वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम नेगेटिव बनाते हैं. वह चार घंटों से नहीं खेल रहा था, वह चार घंटों से नहीं खेल रहा था, तो he had not been playing for four hours. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ had और has have का फर्क है. वहां पर हम has have लगाते थे और यहां पर हम had लगाते हैं. सिंपल है. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे देखते हैं. नेगेटिव बना दिया हमने, अभी इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन नोट्स को देखेंगे. तो मैंने दो सेंटेंस लिख रखे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के.
कि क्या वे लोग 2 बजे से उस पेड़ को काट रहे थे। तो क्या वे लोग मीन्स आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाकर बनाते हैं। तो हैड दे बीन, हैड दे बीन कटिंग दैट ट्री, कितने बजे से है? 2 बजे से है। परफेक्ट टाइम बताया इसमें, अकरेक्ट टाइम है, इसलिए हम सिंस लगाएंगे। सिंस टू ओ क्लॉक, ठीक है फ्रेंड्स। क्या वह 2 महीनों से स्कूल नहीं आ रहा था? तो हैड ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, 2 महीनों से। अगर महीने का नाम दिया होता कि जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो हम वहाँ सिंस लगाते, पर 2 महीनों से यहाँ पर परफेक्ट टाइम नहीं दिया है कि किस महीने से, 2 महीनों से, 3 महीनों से, 4 महीनों से, कुछ महीनों से, ऐसा रहेगा तो आप फॉर लगाएंगे। स्कूल फॉर 2 मंथ्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो अभी हम क्वेश्चन वर्ड देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड मैंने 2 सेंटेंस लिख के रखे हैं क्वेश्चन वर्ड के। तुम 4 बजे से क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग 4 बजे से, इसलिए हम सिंस लगाएंगे। सिंस 4 o'clock। वह सुबह से कहाँ खेल रहा था? तो वेयर हैड ही बीन प्लेइंग। सुबह से, जब भी सुबह से, शाम से, दोपहर से, ऐसा रहता है तो उसमें हम सिंस लगाते हैं। तो सिंस मॉर्निंग, ओके फ्रेंड्स। तो ये था आज का क्लास, और उम्मीद करता हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं थी इसमें, कोई भी कठिन चीज़ नहीं थी कि जिसको समझाना जा सके। और अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरह से वीडियो देखा होगा और समझा होगा, तो उसमें सिंस फॉर कहाँ लगाते हैं और बीन क्यों लगाते हैं, हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम बीन का इस्तेमाल करते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, तो ये भी समझने में कोई भी मुश्किल नहीं हुआ होगा। फिर भी मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, उतना में आपको समझ में आ गया होगा कि हैड बीन और हैव बीन, हैड बीन और सिंस फॉर कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।